अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई कैसे बनेगी, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मामा से। जी मामा। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये मैंने दो प्याज ले लिए, बड़े बड़े से बारीक बारीक काट लिए हैं, ठीक है। और इसमें मैं घी डालती हूँ, कुकिंग ऑयल हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। हम लोगों ने दो अदद बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिए हैं। तो ये मैंने मुर्गी ली है, ये अदरक लहसुन है, ये चम्मच, हाँ जी हाँ जी, ये डालेंगे ना जब ब्राउन हो जाएंगे हल्के हल्के से भी प्याज, फिर ये डालेंगे एक चम्मच भर के, ठीक है। ये धनिया, हरी मिर्च है, ये मसाला है, ये दही डालनी है, ये गोश्त है। अब इसे तो स्पाइसेस जो से है वो हम लोग बाद में बताएंगे अपने व्यूअर्स। नहीं नहीं, यही डाल देना, यही बहुत हो जाएंगे बेटा। मतलब हम लोगों ने आज दो पैकेट डाल देंगे ना ये, ठीक है। मतलब नेशनल का जो, अगर आपने हल्का रखना तो एक पैकेट डाल दें, ये नेशनल का मसाला। अगर आपने ज़्यादा तेज करना है मसाला तो फिर आप दो डाल दें, ठीक है। मतलब हम लोग यही आज जो सा पैकेट वाला मसाला है कढ़ाई गोश्त का, यही अपनी रेसिपी में शामिल करेंगे और आपको बनाना सिखाएंगे। तो व्यूवर्स, हम लोगों ने पहले प्याज ब्राउन होने के लिए रखने हैं, उसके बाद जब प्याज ब्राउन हो जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो आप लोगों ने देखना है मज़ेदार सी जो सी कढ़ाई गोश्त की रेसिपी है जो कि हम आज नेशनल के बना रहे हैं साशे के साथ। तो हम लोग इसमें एक या दो साशे ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करना है तो दो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ जी, उसके ऊपर फिर धनिया, हरी मिर्च, अदरक बारीक बारीक काट के डाल देंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब हम लोग अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं ब्राउन होने रखती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने प्याजों को ब्राउन होने के लिए रख दिया है, तो प्याजों को ब्राउन करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी, तो अब हम लोगों ने प्याज ब्राउन कर लिए हैं लाइट सा, हम लोगों ने प्याजों को ब्राउन किया है। अब इसके अंदर हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच शामिल कर रहे हैं। तो फिर इसको डालने के अच्छी तरह से हम लोग इसको भून लेंगे। जैसा कि आपको पता है व्यूअर्स, प्याज जो हम तैयार कर रहे हैं वो है चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई के लिए प्याज हम लोगों ने पहले पकने के लिए रख दी है। प्याजों को हम लोगों ने लाइट सा कलर दिया, इसके उसको हम लोग भून रहे हैं वो अच्छी तरह से। और फिर मम्मी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पानी डाल के ना थोड़ी देर के लिए इसे गलने के रख देंगे, फिर इसमें चिकन डाल के मसाले डाल के फिर हांडी मारी तैयार, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जब से भूनना शुरू किया फिर खुशबू भी अच्छी से आना शुरू हो गई है। मैं ज़्यादा ना मतलब क्या कहते हैं वो काम ज़्यादा वाले नहीं बताती, जल्दी जल्दी बनने वाले मैं खानों का बताती हूँ कि जल्दी बना लें, मतलब ईजी वे से बताया जाता है कि इतने कोई इसको डिफ़िकल्ट करके आपके सामने नहीं तैयार किया जाता रेसिपीज को। क्या आसान सी ना, मैं बताती हूँ आसान तरीके वाली। अब हम लोग इसके अंदर पानी शामिल करने लगे हैं। हाँ जी, अभी ये भून के ना पानी शामिल, के घर में हर चीज़ भी होती है मौजूद, मसाले ईजीली बता बना सकते हैं। तो वो फिर मसाला ना बने, ये नहीं है वो नहीं है घर में, तो हर चीज़ ये मौजूद होती है, मसाला डालें तो बन जाएगी जल्दी से। ये तो बच्चियाँ भी बना सकती हैं जिन्हें इतना ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनाना आता, तो आसानी से। हाँ जी, इनिशियल स्टेज पे हैं और सीख रही हैं। मैंने पानी डाल दिया, अब ये गलने के लिए ना। तो अब इसको गलने के लिए रख रहे हैं। हाँ जी, बस गलने के लिए, ठीक है। तो भी इसको हम लोग पकने के लिए रख रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। ये तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हमारे गल गए हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर चिकन शामिल करना है और आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चिकन कढ़ाई। हाँ जी, तो हम लोगों ने चिकन कढ़ाई बनाने के लिए पहले प्याज ब्राउन किए, उनको हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया और जब प्याज गल गए तो उसके बाद हम लोगों ने चिकन शामिल कर दिया। हाँ
हाँ जी, अब ये पानी सूख जाएगा साथ, ये गल भी जाएगा, तो फिर मैं ना दही डाल के भून के ना मसाला डाल के फिर हमारी हांडी तैयार हो जाएगी जल्दी से, बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगी। ये डोसी हमारी आज की रेसिपी है व्यूअर्स, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है और झटपट बन जाएगी। आप लोगों ने बस प्याज ब्राउन करने हैं, उनको गलने के लिए रख देना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको चिकन डाल के पका लेना है और मतलब पानी खुश करना है। हाँ, ये इसका पानी खुश करना, ये मुर्गी के साथ ही गल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसका पानी ड्राई करते हैं और इतने दौरान के अंदर जो चिकन है वो भी पक जाएगा, क्योंकि चिकन तो जल्दी ही बन जाता है, तो चिकन भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर दही डालेंगे, दही डालने के बाद उसको अच्छी तरह से भून लेंगे और जो हमारा आज का मतलब मेन जो सी आज हमने आपके साथ रेसिपी बनानी है वो है चिकन कढ़ाई, तो उसका मसाला हम लोग शामिल कर देंगे। ये मैंने ना दही भी डाल दी इसमें, हाँ जी, ये पानी सूख जाएगा फिर मसाले डालते हैं इसमें। ये देखिए मैंने मसाले डाल दिए इसमें। तो व्यूअर्स, पहले हम लोगों ने इसमें दही शामिल की थी, दही को हम लोगों ने डाल के भून दिया था, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पे जो स्पाइस है वो शामिल की है, तो अब मम्मी इसके बाद मतलब जो हमारी आज की रेसिपी है चिकन कढ़ाई की वो तैयार हो जाएगी। हाँ जी, ये अच्छी तरह मैं भून रही हूँ ना, इसे भूनने के बाद ये थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए गलने के लिए रखूंगी, बस हांडी तैयार है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने मतलब इसको भूनना, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देना है और थोड़ा सा पकाना है, बस ये है कि मसाला ज़रा अच्छी तरह रच जाए, गोश्त तो गल गया है क्योंकि मैंने गोश्त इसीलिए पहले डाला था कि जल्दी से गल जाए। ठीक है, तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें और व्यूअर्स इसने छोड़ दिया, इस रेसिपी को ट्राई करके हमें अपनी फीडबैक देनी है और आप लोगों ने कहीं जाना हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी तैयार हुई और माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बबल्स इसके अंदर बन रहे हैं और इसका मतलब ये कि जो हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तो लास्ट पर हम लोग इसको धनिया डालकर गार्निश करेंगे। ये लें जी, वाओ ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मोमोज के अंदर आप पानी डाल के इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। बस आइए, हरी मिर्च भी हम डाल रहे हैं इसके अंदर, साबुत ही डाल रहे हैं, साबुत हरी मिर्चें भी हम लोगों ने डाल दी है, धनिया भी डाल दिया है, लास्ट पे हम लोगों ने इसके अंदर दोनों चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से पका लिया है। इसके बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, इधर ही निकाल देती हूँ, इधर ही निकाल देती हूँ, बस बन गई, पानी भी डाला ओके, okay. तो पहले मतलब डाल दिया था, तो अब भी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है हमारी रेसिपी, तो उसको हम लोग डिश आउट कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह मसाले वाली कढ़ाई। तो व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक, तो आप लोग देख सकते हैं गर्मा गर्म धुआंधार जो चिकन कढ़ाई है वो हमारी तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की कुकिंग विद नाज़ को पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो व्यूअर्स, जब आप लोगों से इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।